हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। यदि आपने इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ का नियम, व्हाइट स्टोन ब्रिज, ओम का नियम, ये सब नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो में देख सकते हैं। तो इस टॉपिक में इसमें पढ़ाने वाले हैं विद्युत विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टॉपिक है विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता। क्या पढ़ना है? विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता। तो विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता किसे कहा जाता है, अभी आपको यूं मिनटों में याद हो जाएगा। तो आप ध्यान से इधर देखिए, क्या करना है, ध्यान से इधर वीडियो की तरफ देखना है। तो विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होता है। प्रतिरोधकता यानी किसी पदार्थ के प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता दोनों बात क्या है, बराबर ही है। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता दोनों बात क्या है, बराबर है। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध कहिए या प्रतिरोधकता कहिए, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। यानी किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को किसी पदार्थ की चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। और इसको डिनोट करते हैं छोटी सिग्मा से। इसको डिनोट करते हैं किसे, छोटी सिग्मा से। ध्यान से देखिए, यहाँ पर वही डिफिनेशन लिखा हुआ है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को पदार्थ की विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता कहा जाता है, इसे छोटी सिग्मा से सूचित करते हैं। तो छोटी सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 1/ρ, और रो का मतलब क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है। रो का मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, प्रतिरोधकता है। अब ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर इसका SI मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो ये इसका हो गया फॉर्मूला। तो इसका SI मात्रक बताने वाले हैं। तो इसका SI मात्रक क्या होगा दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। यहाँ लिखेंगे ओम मीटर, यानी कि ये पावर 1 है, यहाँ भी 1 है। ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, ओम इनवर्स, और मीटर क्या हो गया, इनवर्स। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या है चालकता, तो चालकता का SI मात्रक ओम इनवर्स या क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है। और ओम इनवर्स को महो भी कहा जाता है, यानी कि ओम इनवर्स के स्थान पर क्या कह सकते हैं, महो, और मीटर इनवर्स यानी चालकता का एक और मात्रक आप कह सकते हैं क्या होता है, महो मीटर इनवर्स होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसका बीमा यानी डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन देखिए, यहाँ पर इसका क्या होगा, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं डायमेंशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। तो बीमा जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रतिरोधकता तो यहाँ से निकालते हैं, प्रतिरोधकता तो 1 है तो 1 लिखेंगे, और प्रतिरोधकता तो प्रतिरोधकता का बीमा क्या होता है, MLQ T inverse 3 A inverse 2। यहाँ पर प्रतिरोधकता का बीमा लिखेंगे MLQ T inverse 3 और क्या होता है, A inverse 2। तो यहाँ पर देखिए, एम के पावर में क्या है, 1 है, तो नीचे में 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स, यानी M inverse L inverse 3 T inverse 3 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, TQ, और A² तो ऊपर इनवर्स से ऊपर जाएगा क्या होगा, स्क्वायर। ध्यान से आप देखिए, नीचे में जो जो वैल्यू प्लस में था ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस में। नीचे में जो जो वैल्यू माइनस में था ऊपर गया तो क्या हो गया, प्लस में। 1 प्लस में था गया माइनस, 3 प्लस में था ऊपर गया माइनस, माइनस 3 था ऊपर गया प्लस, माइनस 2 था तो गया ऊपर गया तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यानी कि ये हो गया इसका बीमा हो गया, ये इसका SI मात्रक हो गया, ये दोनों में से कोई भी बता सकते हैं, और ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, और ये इसका क्या हो गया, परिभाषा हो गया। तो दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।